सुबह के 5:30 बजे और आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठा हूँ। रावलपिंडी से कराची जा रहा हूँ अपने ऑफिशियल काम से, और नॉर्मली तो वैसे कराची जाना नहीं होता ज़्यादा, बहुत कम जाना होता है, लेकिन जब भी गए हैं ऑब्वियसली अपनी गाड़ी पे गए हैं। इस दफ़ा वैसे जब भी जाते हैं कराची, जो हमारे यार दोस्त हैं, भाई लोग हैं, कज़न हैं, वो कहते हैं कि आप गाड़ी क्यों लेके आए हैं, जबकि यहाँ पे गाड़ी की सहूलत मौजूद है, फैसिलिटेट करते हैं। तो 3-4 दिन के लिए जाना था, मैंने कहा बजाय इतना लंबा सफ़र ड्राइव करके जाना और फिर वहाँ थकना, कराची का सफ़र तो ऐसा है कि बंदा जो है ना 3-4 दिन तो फिर सोता ही रहता है, इतनी थकावट होती है, तो बजाय थकने के तो ट्रेन से चले जाते हैं। तो साथ साथ सफ़र भी आपको दिखाते रहेंगे। कंट्रोल काइंड ऑफ कंट्रोल, छोटा सा कंट्रोल रूम उन्होंने बनाया हुआ है, हाँ अटेंडेंट रूम। लेकिन यहाँ भी आके मैं, जैसे मैंने रेलवे में बड़ा कम सफ़र करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जब मैं अंदर आया तो मुझे बड़ा सुकून सा फील फ़िलहाल तो हो रहा है। शायद अभी पैसेंजर्स अभी नहीं है, मैं जल्दी आ गया हूँ, उसकी वजह थी कि मॉर्निंग का मेरा था 6 बजे की भी रिसीट थी, और मैं जल्दी इसलिए आ गया कि मैंने कहा फिर क्योंकि मैं ऑब्वियसली अपनी गाड़ी नहीं लेके आ रहा, तो मुझे मेरे फ्रेंड ने वो किया, ड्रॉप किया, तो उसने कहा कि यार जल्द जाना है तो जल्दी चलो, कि फिर मैंने सोना भी है। मैंने कहा यार बचाए बेचारे को तंग करने के, तो मैंने कहा ठीक है, तो उसने मुझे 5:15 बजे ही पहुँचा दिया। यार जल्दी आ गए, मेरा तो वज़ू नहीं था, वज़ू करना भूल गया था मैं, लेकिन ये भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं। इरादा मेरा था कि मैं वज़ू करके आऊँगा तो गाड़ी में ही नमाज़ पढ़ लूँगा, वज़ू करना ही भूल गया मैं। तो इस भाई को देख के मुझे शर्म आ रही है कि यार मैंने वज़ू नहीं किया, नमाज़ पढ़ गया, मैं रह गया। स्टैंडर्ड ठीक है, पूरे 6 बजे जो है गाड़ी चल पड़ी है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पूरे 6 बजे, 6 बजे जैसी बजे वो बजाय ट्रेन का और गाड़ी चल पड़ी है। ए शादी हो रही है, मर गया। अंधेरे में बैठे थे और रोशनी में दाखिल होने जा रहे हैं, अभी तो बड़ा सफ़र बाकी है, जूमते जूमते जाएंगे कराची पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ये खुद ले गया है, ये पेन वाल नहीं दिए, खुद घर से ले गए, अभी ट्रेन में सफ़र करना भूल के ना आ जाना, घर से बना के लाना। कोई अपना नहीं हमारे, बड़ा कोई फिरौन के ज़माने का एक इंजन खड़ा है पीले कलर का। इस वक्त तो गाड़ी इतनी स्लो जा रही है जिससे कोई खोता होता है ना सामान दूर से देखता है कि तो बहुत ज़्यादा है और वो पीछे हटने की कोशिश करता है, मालिक उसको पीछे से ज़ोर लगाता है कि चल, और वो जो है ना वो सामान की तरफ जाना नहीं चाहता। गाड़ी भी ऐसी जा रही है, सुबह के 9 बजे फुल नींद में टोने, ये नींद भी नहीं आ रही, जगह भी है सोने की आ नहीं रही है, क्या करें। गुजराते 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 वो सामने जो नज़र आ रहा है ना, ये अंग्रेज़ों के वक्तों का तामीर किया हुआ एक पता नहीं इसके अंदर क्या है, लेकिन ये लोहे के सतूनों पे खड़ा है मस्जिद के, इसके स्पीकर लगे हुए हैं इसके ऊपर, अब इसमें है क्या ये नहीं पता, अंदर जाने का टाइम नहीं होता, मैं ऊपर चला जाता यार। यार मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है ट्रेन का, ये इतनी उसको
ये तो इतनी इतनी स्लो जाती है, इतनी स्लो जाती है यार कि वो लोग बहुत फंस जाते हैं यार। इसे तो बंदा अच्छा है कि बस में जाए, या कम से कम इस वक्त बंदा अगर बस पर, मैं 6 बजे निकला हूँ सुबह के, तो इस वक्त तो मैं हैदराबाद का हूँ। नहीं ज़्यादा हो गया यार, बोलो अभी गुजरात में 6 बजे निकले हैं, तो गुजरात में अभी सीटियाँ बजा रहे हैं। गाड़ी स्पीड मार रही है ट्रेन के साथ, खाम खा की रेसे लगा रहे हैं। चाचा ये क्या झंडा किस चीज का है? ये गाड़ी का काम कर रहे हैं भाई। अच्छा पैसे का क्या करोगे? क्या करोगे पैसे का, पहले बताओ क्या करोगे पैसे का? कितना पैसे का? गाना सुनाओ। इस उम्र में अखबार बेच रहे हैं करिए। 6 बजे के निकले हैं भाई रावलपिंडी से, और इस वक्त 2 बजे हैं दिन के, और फैसलाबाद पहुंचे हैं। तो 6 बजे से लेके 2 बजे तक तकरीबन 8 घंटे बनते हैं। अबे यार 8 घंटे में हम फैसलाबाद पहुंचे हैं यार रावलपिंडी से, इस ट्रेन में यार, मतलब इसी स्टैंडर्ड का वैसे ही नाम दिया हुआ है, चुक 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 चुक, मतलब रमज़ान गुजर जाए यार पिंडी से कराची पहुंचते। इतने में तो मैं यार 8 घंटों में तो मैं अभी सकर क्रॉस कर चुका होता यार। यार मैं फिर नहीं आऊँगा ट्रेन में यार, काम करने के चक्कर में यार, मतलब 8-8 घंटों में फैसलाबाद पहुंच रहे हैं, तो यार ये तो फिर तकरीबन 45 घंटों में कराची पहुँचेंगे यार। क्या करेंगे ऐसे सब का, जो रस्ते में ही कमर दर्द शुरू कर ले यार, मतलब क्या यार। आखिरकार 12 घंटे बाद, तकरीबन 11 घंटे और 50 मिनट बाद कराची अभी किधर पहुंचे? अभी मुल्तान पहुंचे, अभी मुल्तान पहुंचे हैं। अभी तो बड़ा रास्ता है भाई, ये ट्रेन से उतर के ना कमर सीधी करते हैं हम, क्या बताएं यार। तो मुल्तान पहुंचे हैं 12 घंटे बाद, बड़े फंस गए यार सुकून के चक्कर में, फंस गए भाई, लेट लेट के थक गए यार सुकून के चक्कर में, इतना लेट गए यार। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी गाड़ी होती है ना, तो इस वक्त पता नहीं मैं जो है ना कराची में 3 घंटे सुकून भी कर चुका होता है यार। चाय चाय गरम चाय ताजा चाय। हैदराबाद पहुंच गए हैं और सुबह के तकरीबन 7 बजे हैदराबाद पहुंचे, फिर भी गाड़ी रात को स्पीड इसने गाड़ी ने पकड़ी और बेहतर है, आगे कराची का सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा दरिया है भाई? दरिया कौन सा? दरिया सिंध। दरिया सिंध, सिंध दरिया। सिंध हो कराची। ये जी कराची पहुंच गए हैं,
पलीर का इलाका मेरे ख्याल में क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, ग्रेव वैली स्कूल, नीचे कूड़ा भी आप देख रहे हैं। ये तो कराची की खूबसूरती है, कूड़ा नहीं होगा तो कराची प्यारा खूबसूरत कैसे लगेगा। ये लांडी स्टेशन से कराची पहुंची है गाड़ी, बिन कासिम पोर्ट पे रेलवे स्टेशन है, फिर लांडी स्टेशन और अब ये कैंट स्टेशन आखिरी स्टॉप है। तीन स्टेशन जो हैं ये कराची के हैं। अभी हम लांडी से कैंट स्टेशन जाएँ, कैंट स्टेशन पर उतरेंगे और फिर घर जाएंगे। हेलो भैया, हम पहुंच गए कराची कैंट स्टेशन। अरे भाई क्या हो गया, मैं तो इस्लामाबाद से आया हूँ ना। अच्छा, हम पहुंच गए हैं भाई कराची कैंट स्टेशन। तकरीबन कोई 28 घंटे के सफ़र तय करने के बाद कराची कैंट स्टेशन पहुँच गया और अब यहाँ से जो है ना जाऊँगा घर, रेस्ट मारूंगा और फिर उसके बाद अपने जिस काम से आया हूँ वो करके दो चार दिन गुजार के फिर निकल जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।